हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से। ब्लॉग 9:30 हो चुके हैं और प्लीज़ इग्नोर माय दिस टुच्चा सा हेलमेट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन को ड्रॉप करने के लिए कश्मीरी गेट पे, क्योंकि उसका इंटर्नशिप जो है वो ख़त्म हो चुका है और वो वापस से घर जा रही है, घर जाने की देहरादून मम्मी पापा के पास। और यहाँ पे वो काफ़ी टाइम से रह रही थी, 6-7 महीने से वो यहाँ पे दिल्ली में रह रही थी। उसका इंटर्नशिप चल रहा था क्योंकि बाकी अभी हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। हम लोगों का ऐसा तो कोई प्लान है नहीं फ़िलहाल। अभी मेरे हस्बैंड चला रहे हैं स्कूटी और हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या होता है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मेरी बहन के पीजी में। ये रहा उसका पीजी और ये रही वो अंजलि और जीजू और साली की मीटिंग। हेलो, नमस्ते दीदी, नमस्ते। तुझे नमस्ते कर लेती हूँ। लास्ट डे आपका? रोना नहीं। चलो संभाल लेकर। तो गाइस हम लोगों का मैकडी का मील आ चुका है। यही तो है मील, है ब्रेकफास्ट मील है शायद मेरा गाइस में। ये भगवान क्या जुलूम है। सॉरी गाइज, मुझे इसमें वॉइस ओवर डालनी पड़ रही है क्योंकि मतलब इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धूप वो आ रही थी, नॉइसी सी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। और ये देखो हमारे स्कूटी का शीशा भी टूट गया रास्ते में। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है और धूल भी बहुत ज़्यादा है कि आप बिना मास्क के बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा धूल हो रही थी तो फिर मैंने मास्क लगा लिया। और अभी ये हस्बैंड चला रहे हैं स्कूटी। इससे पहले मैं स्कूटी चला रही थी इसलिए ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। बाकी हम लोग अभी तो हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग संजय से मिले थे, संजय यानी इनके फ्रेंड। और फिर अभी चलो चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपको सीधे घर पे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और सामान वामान रख लिया है। और मम्मी ने मेरी बहन के पास मेरे लिए मैं हाँ यार 2 कप डाल लेती हूँ, गर्मी हो रही है, नहा लेती हूँ। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग, मैं नहावा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम लोग धूप से आ रहे हैं अभी। फिर उसके बाद लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। मेरा आज का लुक कुछ ऐसा था, जींस और शर्ट और बाल ऐसे। अभी तो गंदे लग रहे हैं बट अच्छे हो रखे। गाइज हम लोग आए हैं शाम को छत पे और अभी बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। और ये देखो सनसेट, देखो गाइज सनसेट कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, हमारी छत से सनसेट दिखता है। और वो मम्मी और तन्नू है जो अपने अलग ही गप्पे चल रही है दोनों की। मम्मी हाय तो बोल दो। ये यहाँ पे लोगों के घरों को देख देख के बोल रहे हैं काश वो मुझे मेरा घर, वो अपना घर दे देता, काश वो मुझे अपना घर दे देता है। हाँ। तुम ऐसे क्या हाँ बोलते, ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती तुमसे बुलवा रहा है। हाँ बोलो हाँ। SDM होना, मैं SDM कहाँ का SDM? कहाँ का? सैनी डराई मैस। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ है, ये वो है MDS मैं सर डराई से हैं। मैं से डराई से हैं, मैं हूँ ये SDM नहीं। सही लगता किसी एंगल से कि ये मुझसे डरता होंगे।
ये मेरे को डीएम मेरे को डरा के रखते हो। आप में डर जाता हूँ शक्ल देख के। क्या बोल रही मम्मी? जब इसका मेकअप उतरता है तब डर जाता हूँ। मेकअप तो अभी भी नहीं कर रखा मैंने। और माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कहिए। माता जी अभी मूड में नहीं है। फोन गिराएगी नहीं किसी से? नहीं करेगा। पापा का फूल कौन सा? ये वाला, ये पापा का फूल है। एक ही तो फूल है, और कौन सा फूल है यहाँ पे? पल्लवी के है ये, मेरा है ये। ये मेरा है ये वाला फूल। ये भी था मेरा लेकिन ये खराब हो गया। ये मेरा है। ये है मेरा पेड़। एक मेरी है पालक। ये तन्नू का पेड़ है अनार का, जिसमें तन्नू कभी पानी नहीं डालते। और ये है पापा का पेड़, जिसमें पहले पापा पक्षीपात करते थे लेकिन अब सब में डाल लेते थोड़ा थोड़ा। अच्छा आज भी नहीं डाला था? आज भी पापा ने सिर्फ अपने गमले में डाला था, बस बाकियों के गमले में छोड़ देते थे। ये भी अलग किस्म की जेलिसी है कि सिर्फ मैं अपने गमले में डालूंगा। तन्नु मम्मी ने क्या कमेंट किया था? नाइस ब्लॉगर, हैप्पी होली। नीचे पापा का फोन आ रहा है शायद। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे। हाँ कुछ नहीं। हाँ गाइस मैं आ गई हूँ नीचे और मैं अब बना रही हूँ सब्जी। और आज मैं बना रही हूँ प्याज के पत्ते की सब्जी, जो कि मेरी मम्मी ने देहरादून से भेजी है। तो फटाफट से मैं सब्जी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद सब्जी बनाने के बाद मैं गूंथूंगी आटा, और आटा गूंथने के बाद फिर मैं दोबारा से चली जाऊँगी छत पे, क्योंकि हमारी रोटियाँ तभी बनती है जो हमें खानी होती है। क्या बोल रहे हो पापा? और पापा जी मेरे बाहर से हंस रहे हैं क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। पापा जी सामने से छुप छुप के देख रहे हैं कि ये कैसा व्लॉग बना रहे हैं। गाइज मैं फटाफट से बना देती हूँ। ये रखी हुई है हरी सब्जी जो मम्मी ने काट के रख दी थी दिन में, और मैं फटाफट से इसको चूल्हे पे चढ़ा लेती हूँ।